तो दोस्तों आज मैं आपको रेस्टोरेंट से भी अच्छा दाल मखनी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए 200 ग्राम साबुत या खड़ा उड़द दाल और 100 ग्राम राजमा लिया है। राजमा उड़द दाल से आधा क्वांटिटी में लें। यदि आपके पास राजमा नहीं है तो आप काला चना या चना दाल का यूज कर सकते हैं। इसे 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें ताकि अच्छे से ये भीग जाए। जैसे कि आपको मॉर्निंग में बनाना है तो ओवरनाइट तक के लिए इसे भिगो कर रख दें पानी में। अच्छे से भीग गया है, इसे इस तरीके से घिस घिस कर 2 से 3 बार धुल लें और पानी अलग कर दें इसका। ये दाल और राजमा अच्छे से धुल लिया है 2 से 3 बार। अब इसे प्रेशर कुकर में पकाना है। इसे कुकर में डाल दिया, देखिए इसका छिलका नहीं निकालना है। इसे उबालने के लिए 300 से 400 ml पानी लें, देखिए इतना, और नमक स्वाद अनुसार मिलाएं इसमें। अब इसे 3 से 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं। तब तक मसाला तैयार करते हैं दाल मखनी के लिए। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लें, देखिए इतना। 1 टेबल स्पून घी लें। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए जरूर डालें। दाल मखनी के लिए यूज किया है 3 लहसुन, अदरक का छोटा टुकड़ा, हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज प्याज, 3 टमाटर। इसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 2 तेज पत्ता डालें, हरी मिर्च स्वाद अनुसार यूज करें आप, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसे मिक्स कर लें। 1 मीडियम साइज प्याज बारीक काट कर यूज करें। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो ना डालें, इसके बिना भी दाल मखनी बहुत अच्छी बनेगी। इसे मिक्स कर लें अच्छे से। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं आप। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका आंसर मेरे वीडियो में ही मिलेगा। बस मैं क्वेश्चन पूछने ही वाली हूँ, आप वीडियो देखते रहिए। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, देखिए इस तरह की। अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मिलाएं, इसे मिक्स कर लें। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती खाने में। इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार ऐड करें आप। ये टमाटर का पेस्ट है, इसे मिक्स कर लें। टमाटर को बारीक पीस कर इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसमें कलर आता है, ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसे मिक्स कर लें अच्छे से आप। इस मसाले को 2 से 3 मिनट तक पकने दें। कुकर को खोलकर देखते हैं, ये कुकर भी ठंडा हो गया है। ऐसे दबाकर देखें तो ये राजमा भी अच्छे से पक गया है। ये कढ़ाई का मसाला भी रेडी है। इसमें इस दाल को पलट दें और इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दें। यदि आपकी दाल मखनी गाढ़ी है तो इसमें गर्म पानी डालें, ठंडा पानी ना डालें। यदि ठंडा पानी डालेंगे तो दाल अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा। नमक इसमें स्वाद अनुसार मिलाएं आप। 2 टेबल स्पून दाल मखनी मसाला डालें। यदि दाल मखनी मसाला नहीं है आपके पास तो 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला का यूज करें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। इसे मिक्स कर लें आप और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने दें। दाल मखनी जब अच्छे से पक जाए तब इसमें मक्खन डाल दें। मक्खन को ज्यादा गर्म ना करें, यदि ज्यादा आंच पे रखेंगे इसको तो ये काला हो जाएगा मक्खन, देखिए इतने ऊपर से इसको गर्म करें। जब मेल्ट हो जाए तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें और इसमें मिला दें दाल मखनी में। ये दाल मखनी बनकर तैयार है। इसमें आप धनिया पत्ती डाल दें और यदि आप क्रीम डालना चाहते हैं तो क्रीम डाल दें। ध्यान रखें जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही क्रीम डालें। यदि आप गर्म में डालेंगे तो ये क्रीम फट जाएगी, जब ये ठंडी हो जाए तभी डालें। यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो क्रीम की जगह आप मलाई डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो इंतजार खत्म हुआ। क्वेश्चन है कि मेरे करवा चौथ के वीडियो में सिंगार का सामान देने के लिए सबसे पहले किस रिश्तेदार की बात कही है और करवा देने के लिए भी सबसे पहले किस रिश्तेदार की बात कही है। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि 27 दिसंबर शाम 5 बजे जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसी को ये गिफ्ट मिलेगा और इसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोस के, और मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें आप।